ऑटिज्म जागरूकता दिवस को रोशनी हिल एंड हेल्थ केयर सेंटर पर मनाया गया। इस दिन ऑटिज्म से ग्रस्त लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर रोशनी यादव ने बताया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रस्त बच्चों में सामाजिक कौशल, दोहराव वाले व्यवहार, बोलने, संचार आदि से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आगे बताया कि ऑटिज्म के इलाज में थेरेपी जरूरी है। समय पर बच्चों को प्ले थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी देकर ऑटिज्म के नकारात्मक प्रभावों को कंट्रोल किया जा सकता है। संस्था द्वारा जागरूकता के साथ उन सभी पेरेंट्स का सम्मान भी किया गया जो अपने बच्चों और थेरेपिस्ट के साथ मिलकर ऑटिज्म के नकारात्मक प्रभावों को कम कर रहे हैं और समाज में उनकी जगह बना रहे हैं। इस अवसर पर रोशनी हील एंड हेल्थ केयर सेंटर का समस्त स्टाफ मौजूद था, जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर बुद्ध, डॉक्टर रोशनी, डॉक्टर यादव, डॉक्टर विवेक आदि मौजूद थे। आज जो डे है, आप लोग
the mom because we have this situation. Many people may not be aware. And some moms are not accepting this condition. Then what message will you give to them? That was the first step to make a child better is accept.